बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट यूनिट एंड इट्स फंक्शंस, output unit and its function, storage unit and its function. We already discussed about the input unit and output unit and storage unit, but in this lecture we will discuss in detail these topics. Types of storage used in the computer system, is hamare paas kaun kaun si storage hoti hai computer system ke andar, storage ki kaun kaun si types hoti hai wo humne dekhni hai. Mere bachche, bahut informative lecture hoga और इसके अंदर जो रियल लाइफ की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ डिटेल में बताता जाऊंगा। तो आप लोगों ने ये लेक्चर गौर से सुनना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि माय मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लोगों को इतना टेक्निकली रिच किया जाए, इतना आप लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि आप किसी के सामने लेमैन ना हों, आप लोगों को सारी चीज़ें आती हों, पता हों कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के डिफरेंस से क्या चीज़ क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो नो, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हम ये देखेंगे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, ALU, कंट्रोल यूनिट, CU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU एंड कंप्यूटर एज अ सिस्टम। तो मैंने आप लोग को बताया था कंप्यूटर सिस्टम की, आप लोगों को डायग्राम भी बताई थी, नोट्स में डायग्राम भी देखी थी हमने। तो फाइव बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये हम पहले चीज़ें देख चुके हैं, मैं डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा डिस्कस करके मूव करता जाऊंगा। जो चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनपुट मैंने कहा था कि एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। तो हमारे पास कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट रिसीव करता है, डाटा को स्टोर करता है, स्टोरिंग सेविंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक दैम रेडली अवेलेबल, जब हमें इनकी ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे। प्रोसेसिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर की जो वर्किंग है वो बेसिकली कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहलाती है। देन आउटपुटिंग मीन के हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर हमें क्या दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द यूजफुल इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट क्या कहलाता है, हमारे आउटपुटिंग। अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना कि एक चीज़ एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन के साथ कोई कोलाइड ना हो, एक ऑपरेशन सेपरेटली वर्क करे, दूसरा ऑपरेशन हमारे पास एक्यूरेसी के साथ वर्क करता रहे। कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं वो एक सीक्वेंस के साथ परफॉर्म हो, उनके अंदर कोई इशू ना हो, इट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग। मेरे बच्चे, कोई मसला हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई एम हेयर, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को गूगल से, इंटरनेट से या कहीं से कोई भी टेक्निकल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, तो कोई भी अगर आप लोग मुझसे सवाल करना चाहते हैं, तो जब मैं आप लोगों से ये डिस्कशन के लिए, जब ये लेक्चर आप लोग सुन के आएंगे तो जूम के ऊपर हम डिस्कशन के लिए लेक्चर लेंगे, तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरे जैसे एक निकम्मे टीचर को उसका आंसर आता होगा तो वो ज़रूर आप लोगों को सेटिस्फाई करेगा, ज़रूर बताएगा, बस पूछिएगा ज़रूर। ये नहीं है कि शायद सर को नहीं आता होगा तो सर नाराज़ हो जाएंगे, ये सर नाराज़ होने वाले नहीं हैं, ठीक हो गया। कोई चीज़ अगर आप लोगों से सीखने के लिए मिलती है तो मैं वेलकम करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ सीख जाऊँ। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे पास हमने ये पढ़ा था कि हमारे सारे यूनिट होते हैं, इनपुट यूनिट है, यानी हार्डवेयर को हमने डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया था, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था। तो हमने उसकी बात की थी कि इनपुट यूनिट है, ठीक है, कि इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस। मैं आप लोगों को फिर उसी डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, ये खुद से आप लोगों को बुक से नहीं मिलेंगी शायद किसी भी, तो ये मैं अपनी तरफ से ये आप लोगों को डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो आप लोग ये भी नोट करके याद कर सकते हो। इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड ऑपरेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। जितने भी हमारे पास हैं यानी इनपुट यूनिट्स की, जितना भी प्रोग्राम और डाटा हमारे पास आ रहा है वो इनपुट होके इनपुट यूनिट से किस में जाता है, हमारे पास स्टोरेज में। इसी तरह आउटपुट यूनिट मिल के वो डाटा इनपुट जो भी होता है कंप्यूटर उसे, मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कैसे काम करता है, कि जब हम कोई उसको इनपुट देते हैं कंप्यूटर उसे अपनी स्टोरेज में, प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर करता है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज से फिर वो अपने वर्किंग एरिया में ले जाता है CPU में, और उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, हमारे किसके ऊपर आता है, डायरेक्ट आउटपुट के ऊपर आता है। यानी
जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, मैं आप लोगों को ये डिटेल में बताऊंगा। ये जैसे आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही है, जहाँ पे आप लोग मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, ये समझना है आप लोगों ने। जो हमारी इनपुट है, ठीक है, इनपुट यूनिट से होकर किस में जाती है, स्टोरेज में। यस, इनपुट यूनिट से डायरेक्ट किस में जा रही है, हमारी कंट्रोल यूनिट में। हमारे कंट्रोल यूनिट जो है हमारे पास दो तरह, CPU जो है हमारे पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम कंप्यूटर को देखते हैं तो हम उसका नाम उसे कहते हैं ये CPU है। इट्स रॉन्ग, ये गलत है मेरे बच्चे, वो सिस्टम यूनिट है, ठीक है, CPU नहीं है। CPU जो आप लोगों को ये डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, ये मेरा कर्सर, मैं जिसके ऊपर कर्सर ये कर रहा हूँ, ये मेरे पास ये क्या है, ये बेसिकली CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब इसमें इनपुट यूनिट भी है, आउटपुट यूनिट भी है, ये स्टोरेज भी है, ये सारी मिलकर ओवरऑल हमारा क्या बना रहे हैं, सिस्टम यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सिस्टम यूनिट है, सिस्टम है पूरा, ठीक है, एक CPU नहीं है। CPU इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, अब देखें कि हम कोई भी चीज़ प्रोसेस करते हैं, आप लोग अपने मोबाइल की बात कर लेते हैं, आप लोग के पास मोबाइल सबके पास है, जब कोई भी चीज़ आप चलाते हो, सपोज़ आप लोग एक गाना चलाते हो, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, वो गाना आप लोगों के पास क्या होता है, ठीक है, आप लोगों के पास हार्ड डिस्क के ऊपर जो आप लोगों के कार्ड होंगे या जो आप लोगों के मोबाइल की मेमोरी होगी वहाँ पे सेव होगा। अब वहाँ से वो अपनी वर्किंग के लिए कहाँ पे लोड होता है, प्राइमरी स्टोरेज में। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में नज़र आ रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज से देखें एरो कहाँ पे आ रहा है, प्राइमरी मेमोरी में। ये डाटा इसका मतलब है वहाँ से किस में आता है, हमारी रैम के अंदर आता है। प्राइमरी मेमोरी से मुराद ये है कि रैम, जो आप लोगों की मोबाइल की क्या है, रैम वगैरह होती है, ठीक है, ये बेसिकली वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के काम करने की जगह ये है। कंप्यूटर ने जिस चीज़ के ऊपर भी काम करना है वो पहले रैम में आएगा, रैम से आगे किस में जाएगा, हमारे पास कंट्रोल यूनिट में, CPU के पास जाएगा, और CPU उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करेगा। जो प्रोसेसर लगा होता है आपके मोबाइल में भी प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, वो किस में डाटा आता है, प्राइमरी मेमोरी में। अब आप लोग को एक बात इंटरेस्टिंग साथ साथ बताता जाऊँ मेरे बच्चे, अक्सर आप लोग देखते हो आप लोग का मोबाइल हैंग हो गया है, सिस्टम लैपटॉप चला रहे हो या कंप्यूटर चला रहे हो, जी हैंग हो जाता है, वाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है, बेसिक मेजर प्रॉब्लम इज़ ड्यू टू द रैम, प्राइमरी मेमोरी की वजह से होता है। प्राइमरी मेमोरी की वजह से कैसे होता है, ठीक है, जब हमारी प्राइमरी मेमोरी, अगर रैम किसी लैपटॉप में या किसी भी जो आप लोगों का मोबाइल है उसके अंदर कम होगी, तो आप लोग एक टास्क करने के लिए उसे कहते हो कि ये टास्क करो, वो पहले किस में लोड होता है, हमारी रैम के अंदर लोड होता है। जब हमारे वो रैम के अंदर लोड होता है और उसके बाद फिर प्रोसेसर काम करना शुरू करता है। अब आप दूसरा टास्क कह देते हो, वो रैम के अंदर लोड हो जाता है और प्रोसेसर उसको भी काम करना शुरू कर देता है। जब आप तीसरा काम कह देते हो, वो भी रैम में जाना होता है। अब रैम के अंदर जब डाटा लोड हो रहा होता है कि ये वर्किंग एरिया आप कंप्यूटर के काम या किसी भी मोबाइल का वर्किंग एरिया है, जिस चीज़ के ऊपर भी काम होना है वो रैम में जाएगी पहले, तो वो रैम से जब इतने डाटा, उसकी स्पेस ख़त्म हो जाती है, जब आप चौथा काम करने के लिए कहते हो, उसको कलेक्ट करते हो, वो रैम में लोड होने के लिए जाता है, रैम में जगह नहीं होती। अब आप तो उसे, जो कंट्रोलर होता है उसे कह रहा होता है, नहीं भाई इसको अपने रैम में लोड करो, हमने इसके ऊपर काम करना है, वो कहता है मेरे, मेमोरी कंट्रोलर जो होता है वो कहता है भाई मेरे पास जगह नहीं है, वो आपस में लड़ पड़ते हैं, ठीक है। लड़ने का मतलब यह है कि वो इसी कन्फ्यूजन में वो उसे इंस्ट्रक्शन भेज रहा होता है कि भाई इसको लोड करो, वो उसे वापस इंस्ट्रक्शन भेज रहा होता है कि मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, तो इसी, क्योंकि हम इधर से उसे कह रहे थे भाई इसको चलाओ, तो इसी ऐसे में क्या होता है उनकी लड़ाई में, ठीक है, उनकी इंस्ट्रक्शन आपस में एक दूसरे से पास होने, वो काम करना ही छोड़ देते हैं, काम ही नहीं होता उसका, उसका काम रुक जाता है। तो हम कहते हैं हमारी रैम जो हैंग हो गया है। अब हमारे पास जब हम चलें भी, दूसरा सवाल यह है कि जब आप उसे दोबारा रीस्टार्ट करते हो, बंद करके दोबारा चलाते हो, फिर हम कहते हैं वो दोबारा चलना शुरू हो गया है, हैंग ख़त्म हो गया, तब क्या हुआ, रैम जो है हमारी, जब हम आगे पढ़ा डिटेल में बताऊँगा भी, जो प्राइमरी स्टोरेज है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब इसकी पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, इसको करंट देना बंद करते हो, तो इसमें से जो भी डाटा होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है, ये हमारी वोलाटाइल मेमोरी है। इसमें से डाटा क्या हो जाता है, स्वैप आउट हो जाता है, मिलके निकल जाता है, सारा खाली हो जाती है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गई या जैसे आप लोगों के पास मेमोरी कार्ड हो गए या फ्लैश हो गई, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। इसके ऊपर डाटा क्या होता है, परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है, मैं आगे इसकी डिटेल में भी बताऊँगा। तो यहाँ से आप लोग इस डायग्राम को समझ सकें कि कंप्यूटर के अंदर जब इनपुट आती है, ठीक है, वो हमारी मेमोरी में, या फिर हमारी इनपुट कहाँ से आ रही है, डाटा कहाँ से आ रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज, तो वो भी सारा किस में आ रहा है, हमारे रैम में आ रहा है। फिर ये रैम से किस में जाता है, हमारे कंट्रोल यूनिट में। CPU के जो हमारे पास बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट
और एक होता है अरेथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरेथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म द बेसिक अरेथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस तरह के सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर रहा होता है? जितनी भी अंदर प्रोसेसिंग कर रहा है ना, हमारे सीपीयू का जो हिस्सा है अरेथमेटिक लॉजिकल यूनिट वो काम कर रहा है। कंट्रोल यूनिट एक्ट लाइक अ सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इट्स डिड नॉट परफॉर्म एनी टास्क, ये कोई भी काम नहीं करता, ये याद रखिएगा। इट डज नॉट परफॉर्म एनी टास्क, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता। इट्स जस्ट डायरेक्ट द अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क, ठीक है। ये हमें डायरेक्शन देता है किसी दूसरे हिस्सों को, भाई आप ये काम करके दे दो, आप ये काम करके दे रहो। मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेज लगी हुई हैं, ठीक है, ऑल डिवाइसेज कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। जो कि मैं अगले लेक्चर के अंदर आप लोगों को मदरबोर्ड दिखाऊंगा, तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे भी इसे कैसे वो कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, जो कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा है, और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो काम कर रहा है, ठीक है। ये सीपीयू हमारे पास है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है सीपीयू की, यानी 3.4 गीगाहर्ट्ज़ से मुराद ये है कि एक ही हमारे पास एक यूनिट टाइम के अंदर 3.4 गीगा जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेस हो सकती हैं। अब इनपुट यूनिट का क्या काम है? एन इनपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, इट एक्सेप्ट और रीड द इंस्ट्रक्शन, यानी ये यूज़र से इनपुट लेता है, इंस्ट्रक्शन पुट करता है, एंड डाटा फ्राम द आउटसाइड द वर्ल्ड इट कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन। देखें, जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी ये आवाज़ है, आप लोग मैट्रिक तक पढ़ चुके हैं, ये एनालॉग फॉर्म के अंदर है। अब ये एनालॉग फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में तो नहीं सेव हो सकती, फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये इनपुट यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट कन्वर्ट इन टू द फॉर्म विच कंप्यूटर कैन प्रोसेस, कि उसको ऐसी फॉर्म में तब्दील कर दे जिसे कंप्यूटर क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, ठीक है मेरे बच्चे। मैं अब जो बोल रहा हूँ इसका मतलब है, ये इसके अंदर जो इनपुट यूनिट है जो मेरे कंप्यूटर के अंदर है वो उसको क्या करेगा, ये मेरी आवाज़ को लेगा, एनालॉग फॉर्म को, उसको कन्वर्ट करेगा इसके फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में और कंप्यूटर में वो सेव हो सकेगी, अदरवाइज कंप्यूटर में सेव नहीं हो सकती। इट कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, जिसे कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सकता है उस फॉर्म में तब्दील करता है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो ये कंप्यूटर सिस्टम को आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई स्टोर करना है, तो उसके लिए आगे भेज देता है। ये इनपुट यूनिट के काम है। इसी तरह आउटपुट यूनिट का क्या काम है, आप देखें उसका बरस, जैसे अब मेरी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर है वो 0 और 1 की फॉर्म में है। अब मैंने जब अपने स्पीकर के उसको चलाना चाहता हूँ वीडियो को, जो मेरी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, तो उसकी जो आवाज़ है वो क्या है, हमारे किसके दोबारा एनालॉग फॉर्म में होगी, तो तब मुझे सुनाई देगी, अदरवाइज तो नहीं सुनाई दे सकती। 0 और 1 की फॉर्म में क्या आएगी, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आएगा, नज़र आएगा लेकिन वो आवाज़ प्रोसेस नहीं हो सकेगी। तो आउटपुट यूनिट का काम होता है कि वो कंप्यूटर से जब डाटा लेता है तो उसको ऐसी फॉर्म में तब्दील कर देता है जिसे ह्यूमन एक्सेप्टेबल हो, ह्यूमन उसे रीड कर सकते हो, उसे अंडरस्टैंडेबल। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा, विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हेंस कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टैंड बाय अस, जिसे हम नहीं समझ सकते। तो इन आउटपुट यूनिट इट कन्वर्ट्स दूस कोडेड रिजल्ट टू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल रीडेबल फॉर्म, जिसे इंसान क्या कर सकता है, रीड कर सकता है या सुन सकता है या कुछ भी कर सकता है, उस फॉर्म में तब्दील करके देगा। इट सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो हमें वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा जिसके थ्रू जो भी, जैसे हमारे अगर प्रिंटिंग आउटपुट है तो प्रिंटर के थ्रू हमें प्रिंट करके देगा, अगर हमारे पास वॉइस आउटपुट है तो हमें स्पीकर के थ्रू सुनाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज जैसे कि हमारे पास नाम उसका जाहिर कर रहा है कि हमने डाटा क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम होल्ड्स आर स्टोर द फॉलोइंग, हमारे डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर फॉर प्रोसेसिंग रिसीव फ्रॉम इनपुट डिवाइसेज, इनपुट डिवाइसेज से जो डाटा आ रहा है उसको क्या करना है, उसने स्टोर करना है। इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग हो गई उसके रिजल्ट उसने क्या करना है, स्टोरेज डिवाइसेज के ऊपर स्टोर करना है। फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग बिफोर द, ठीक है, प्रोसेसिंग के दौरान भी तो कहीं ना कहीं डाटा सेव हो रहा होगा ना, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करके आगे दोबारा यूज़ करेगा। बिफोर दे आर रिलीज टू आउटपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज के ऊपर जाने से पहले भी हमारे पास क्या होगा, ये डाटा स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पे हमारे पास हैं, डाटा स्टोरेज डिवाइसेज के ऊपर हमारा डाटा स्टोर हो रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखाया कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा था, ठीक है, कि हमारे जितने भी डाटा था ये इनपुट डिवाइसेज से आ रहा है तब भी स्टोरेज में जा रहा है, आउटपुट डिवाइसेज तब भी स्टोरेज में जा रहा है, कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसिंग हो रही है तो हमारा वो
ड्यूरिंग प्रोसेसिंग भी डाटा स्टोरेज डिवाइसेज पे स्टोर हो रहा है और आफ्टर प्रोसेसिंग भी डाटा किसके ऊपर स्टोरेज डिवाइसेज के ऊपर स्टोर हो रहा है। तो हमारी स्टोरेज डिवाइसेज बच्चे किसे क्या स्टोरेज डिवाइसेज को हम मेमोरी भी कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है हमारी दो तरह की होती है, एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जैसे अभी आप लोगों को यहाँ मैं डायग्राम के ऊपर दोबारा ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। ये सीपीयू के साथ क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, मीन्स सीपीयू से डाटा किस में जा रहा है, प्राइमरी मेमोरी में। फिर जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे हम यहाँ पे ये डायरेक्टली कनेक्टेड जो आप लोगों को कर्सर से नज़र भी आ रहा है, ये सेकेंडरी मेमोरी कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली सीपीयू के साथ, ये सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड है और प्राइमरी मेमोरी आगे डायरेक्टली कनेक्टेड है सीपीयू के साथ। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू, बट सेकेंडरी मेमोरी कैन, ठीक है, हमारे पास इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दूसरी जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की बात, यूज टू होल्ड द रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारा प्रोग्राम, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर जिसके ऊपर भी काम कर रहा है वो हमारी किसके अंदर होंगी, हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर होंगी, तो उसके ऊपर काम हो रहा होगा। तो यहाँ पे यही बात है, यूज़ टू होल्ड द रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं या इंस्ट्रक्शन चल रही हैं वो हमारी कहाँ पे स्टोर होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज पे। यूज़ टू होल्ड द डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसेस, जो भी काम हो रहा है उसके दरमियान में देखें, कुछ डाटा सीपीयू ने स्टोरेज पे रखना है, बाद में उसको दोबारा उठा के यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारे काम हमारे किस डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। फास्ट इन ऑपरेशन, ये फास्ट होती है, इन दोनों का कंपैरिजन का क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो जो आप लोग के मोबाइल्स के अंदर जो रैम लगी होती है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, और जो आप लोग के मोबाइल्स के अंदर जो दूसरी हमारे पास जो उसकी स्टोरेज है, ठीक है, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। जैसे आप लोग मेमोरी कार्ड लगाते हो या फिर हमारे पास उसके अंदर बिल्ट इन मेमोरी होती है उसकी, वो सेकेंडरी मेमोरी है। फास्ट इन ऑपरेशन, स्मॉल कैपेसिटी, देखें आप दोनों का ये भी डिफरेंस है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो उसकी स्मॉल होती है। जैसे आप लोग मोबाइल की अगर बात करते हो तो 1 GB रैम होती है, 3 GB या 4 GB रैम लगी होती है, लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हो, ठीक है, तो वो हमारे पास आप लोग देखते हो कि आप लोग की कितने की होती है, 60 GB, 120 GB, यानी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर डाटा ज़्यादा स्टोर हो सकता है। लेकिन रैम जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, अलहदा से कभी क्लास में हुए तो हम इसकी डिबेट भी करेंगे, ठीक है। एक्सपेंसिव और महंगी भी यही होती है, जो प्राइमरी मेमोरी है, रैम है हमारे पास, ये अगर आप लोग अपने सिस्टम की या लैपटॉप की रैम लेने जाएं, 4 GB रैम लेंगे तो वो आप लोग को मिलेगी सपोज कितने की, 1500 की या 2000 की मिलेगी। जब आप लोग यही 500 GB की हार्ड डिस्क लेने जाओगे वो आपको इतने की मिलेगी, 1500 की, 200 की, देखें कितनी की, वो क्या है, कॉस्टली है। हमारी प्राइमरी मेमोरी कॉस्टली होती है और एक्सपेंसिव मीन क्या होती है, जो दूसरी सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या होती है, चीप होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी। फिर हमने बात की वोलाटाइल की, वोलाटाइल का मतलब जो भी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जब पावर कट ऑफ करते हैं तो उसमें से डाटा सारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लूजेज द डाटा ऑन द पावर डिसिपेशन, जैसे पावर ख़त्म होगी तो डाटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, ये हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, मेमोरी कार्ड आप लोगों के पास हैं, फ्लैश हैं, ये सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली अटैच नहीं होती सीपीयू के साथ, ये याद रखिएगा ये कंसेप्ट। यूज टू होल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यूज टू होल्ड डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टोर जॉब, मीनिंग के स्टोर जॉब बाद में यूज़ के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। स्लोअर दैन प्राइमरी स्टोरेज, लार्ज कैपेसिटी, लार्ज चीपर दैन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज से बहुत सस्ती भी है ये, रिटेन डाटा इवन विदाउट पावर, अगर करंट ख़त्म भी हो जाए तब भी उसके अंदर डाटा क्या रहता है, सेव रहता है। अब हमने सीपीयू को डिस्कस किया, उसके अंदर मैंने कहा था अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जो असल में काम हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर वो कहाँ पे हो रहा होता है, ALU में, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। इसी तरह हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया कि सुपरवाइजर की तरह काम करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको क्या है, कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है, खुद से कोई काम नहीं करता। जैसे यहाँ पे आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की एग्जांपल है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU प्लस कंट्रोल यूनिट CU। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक अरिथमेटिक यूनिट जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म कर रहा है, एक हमारे पास लॉजिकल यूनिट
लॉजिकल यूनिट या लॉजिकल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, ये कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, वो सारे ऑपरेशन कहाँ पे हो रहे होते हैं, वो भी ALU के अंदर हो रहे होते हैं। कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट प्लस CU कंट्रोल यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट्स मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि सारे काम, सारी प्रोसेसिंग इसके अंदर हो रही होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के सारे जितने भी ऑपरेशन हैं उन सबको कंट्रोल करना किसका काम है, CPU का काम है। अब सिस्टम कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है। द सिस्टम कंसेप्ट, द सिस्टम हैज़ फॉलोइंग थ्री करेक्टरिस्टिक्स। एक सिस्टम की क्या होती हैं, तीन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ए सिस्टम हैज़ मोर देन वन एलिमेंट, एक सिस्टम के एक से ज़्यादा हिस्से होते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ द सिस्टम आर लॉजिकली रिलेटेड, उस सिस्टम के जितने भी हिस्से एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ द सिस्टम आर कंट्रोल्ड इन अ मैनर टू अचीव द सिस्टम गोल, यानी सारे ये मिलकर काम करते हैं और हमें हमारा कॉमन गोल अचीव करते हैं। जैसे अभी मैंने सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की बात की, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, यानी ये जैसे स्टोरेज यूनिट हो गया, इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट, सारे मिलकर एक काम कर रहे हैं ना, हमारे काम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ए कंप्यूटर इज अ सिस्टम एज इट कंप्राइजेज ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट सारे मिलते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड CPU दैट वर्क टुगेदर, जो मिलकर काम करते हैं टू परफॉर्म द स्टेप्स कॉल्ड फॉर इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जो उसको काम करने के लिए कहा जाता है या एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आज का हमारा पूरा एक लेक्चर था, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये कंप्यूटर सिस्टम की बात की कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे यूनिट मिलकर काम करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम कैसे है, ठीक है। तो कंप्यूटर को हम सिस्टम, जो आप लोगों को एक रेक्टेंगुलर केसिंग नज़र आ रही होती है उसको हम सिस्टम कह सकते हैं, CPU नहीं कह सकते। CPU इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम यूनिट तो हमारा एक हिस्सा है उसका, लेकिन अलहदा से वो खुद एक सिस्टम नहीं है। तो होप सो आप लोगों के लिए ये एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर था और आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे और मुझे सही सही आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करने की तौफीक दे, ताकि आप लोगों के लिए मेरे ये लेक्चर फ़ायदेमंद साबित हों। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करे, हमेशा खुश रहे, जीते रहें, खुश रहें। अपना फीडबैक